हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम जानवा हेयर लाइस ट्रीटमेंट घरे आम कमी करें। फ्रेंड्स, हेयर लाइस मुंडर रूपी उकुणी प्रायत लोकर ये गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम, आपणकर भी बहुत बड़ प्रॉब्लम ना ये मुंडर रूपी कि उकुणी आमको बहुत प्रॉब्लम फेस करवाई पड़ता है। से आम रात ठीक से शो भी पारे सब बेले मुंड कुंडो था कौन से अकेजन फंक्शन आमको अटेंड करने को इच्छा हुए नहीं। यही प्रॉब्लम खास करी स्कूल गोइंग पिला पाखरे बेसी देखा जाए था और निज फैमिली की आसी था। से आम मार्केट रे बिक्री होता है बहुत ऑयल शैम्पू मेडिसिंस सब यूज करती, बट से गुड़ाक आम हेयर को डैमेज करें जहाद्वारा कि आमको फ्यूचर में बहुत हेयर प्रॉब्लम फेस करने पड़ता है। तो मुझे आपण मानी सब बेले आपण स्किन आउ हेयर रो घर उपचार होम मेड जिनस नहीं कि आसी थाए जहाद्वारा कि आपण स्किन कि हेयर रो कौन डैमेज हो न थाए। आज भी मुझे मुंडर उकुणी समस्या नहींकम मेड सल्यूशन जो थी कि आपणकर उकुणी समस्या दूर हवा संगे संगे आपणकर हेयर हेल्दी भी रहा। जदि आपण भी चाहते आपणकर मुंडर उकुणी समस्या सबुदिन बाय बाय कहवापी तो भिडियोटी को फास्ट और लास्ट जाए पूरा देखा। फर्स्ट मुझे मुंडर उकुणी कि रूपी हबार कारण कहि तापर मु तार सल्यूशन आपंक देखेबी। आमर रूपी उकुणी हबार फास्ट रीजन आम मुंडर मैला। बहुत दिन पर्यंत आम जब मुंड को सफा करूना बाहर को जाऊँगी बाहर धूली मैला सब आम मुंडे पशुची कि आम सफा कर पारना कार्यव्यस्तता जो हो कि अन्य कौन कारण हो आम सफा कर पारना आम हेयर रो केयर ठीक से नहीं पारना तेल मुंडर उकुणी हवा सुनिश्चित। सेकेंड रिजन हो चुट्टी आमर ओदा रही आम जो चुट्टी सफा करमी बांधि बांधिक जो एम रखीद तेल से मूल ओदा रहा देन आपणकर रोपी उकुणी निश्चय हे। थर्ड आम जदि कहार तकिया यूज कर किंवा दु जन तीन जन मिस गोटे तकिया शोले तो आपण को चुट्टी सीना सफा थी आउ जार भी मैला थी कि कौन तर भी उकुणी होपण मुंड को ऑटोमेटिक जीवो। फोर्थ रे आउ कहार पानिया यूज करवा अगर पानिया के भी यूज करूनी आप निजपी पर्सनाली सेपरेट गोटे पानिया रखत। यह हूँ आपणकर बेसिक पांचटी रिजन आपणकर हेयर रे रूपी उकुणी हबार सो आप फास्ट अवॉइड करूँ देन आम जानवा सल्यूशन आम एपाई कौन सल्यूशन नहीं पार। फ्रेंड्स, मुझे आप गोटे ऑयल बनवा शिखेबी आती मात्र मुझे चारोटी इनग्रीडियंट्स नहींगुड़ाक हूँ नड़िया तेल निंब पत्र तुलसी पत्र कर्पूर जोटा कि आम ठाकुर पूजा व्यवहार करते। फ्रेंड्स, आम समस्ते जानते निंब आम स्किन आउ हेयर पर गोटे मेडिसिन पी कम कैसे एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टी रही है जहाद्वारा कि यह आम मुंडर उकुणी को किल कर हेल्प करता सहित यह आम हेयर को स्ट्रंग ग्रोथ भी करें। फ्रेंड्स, तुलसी पत्र रही है विटामिन के आउ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी यह आम स्कैल्प ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर आम हेयर ग्रोथ में आमको हेल्प करें। फ्रेंड्स, कर्पूर हूँ आम जो इचिंग स्कैल्प सॉल्यूशन जो आम स्कैल्प सब बेले कुंडे हुए यह द्वारा आमर से प्रॉब्लम टी सॉल्व हो पार आउे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रही है यह डैंड्रफ को दूर करने सहित यह गोटे नेचुरल मॉइश्चराइजर पर आम हेयर रे काम करें। ड्राई आउ फ्रिजी हेयर पर कर्पूर गोटे बढ़िया सॉल्यूशन भाव काम करे। यही ऑयल को बनवाई प्रथम किसी लिंब पत्र किसी तुलसी पत्र को भल भाव धोईकी से पा छड़े देखिए जमीक टी भी पा रही पत्र गुड़ी को ग्राइंडर रे टिके ब्लेंड कर दिंतु। गोटे गैस रे गोटे पात्र रखी से किसी नड़िया तेल को पक गरम करूँ तेल टिके गरम हवा परे ये पेस्ट को पके भल भाव फुटातु किसी समय फुटला परे तेलटीर कलर यह चेंज हो देखु ग्रीन ग्रीन कलर हो वर्तमान तेल को ठंडा हवा पई किसी समय रखी दिंतु। तेलटी एवं आमर ठंडा हो सारी वर्तमान आम गोटे पात्र छाणिक रखिद बर्तमान देखता आमर ऑयल टी रेडी जाइए बर्तमान से गोटे कर्पूर को टे चूना करके पकईदे रखीदे
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କର୍ପୂର ପକାଇବାଟା ଦେଖାଇ ପାରୁନି କାରଣ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ସେଇଟା କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଏଲ୍ଟି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ଆମେ ଏହାକୁ ବନାଇବା ତ ଶିଖିଗଲେ, ଏବେ ଆମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ହେୟାର୍କୁ ଟୁ ସାଇଡ଼୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି ଅଏଲ୍ ନେଇ ଏହାକୁ ସ୍କାଲ୍ପରେ ଜଷ୍ଟ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଫାଇଭ କି ଟେନ୍ ମିନିଟ୍ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଅଏଲ୍ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ବି ଆପଣ 5-10 ମିନିଟ୍ ସ୍କାଲ୍ପରୁ ମସାଜ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଲଗାଇକି ଆପଣ ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ରଖନ୍ତୁ ନା ନାଇକି ଲଗାଇଦେଲେ ଯାଇକି ବାସ୍ ୱାଶ୍ କରିଦେଲେ, ସେମିତି କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଏହାକୁ ଲଗାଇକି ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଓଭର୍ ନାଇଟ୍ ନ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, 6-7 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ 6-7 ଘଣ୍ଟା ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶାମ୍ପୁ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନ କରିପାରିଲେ ବି ଚଳିବ। ବଟ୍ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା କି 8 ଘଣ୍ଟା ରଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ଉକୁଣି ପାନିଆ, ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ 5-10 ମିନିଟ୍ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମ ଯେଉଁ ଉକୁଣି ଗୁଡ଼ାକ କିଲ୍ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ଗୁଡ଼ାକ ସହଜରେ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର୍ରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଆପଣ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ମାତ୍ର 15 ଦିନ ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 80% ଉକୁଣି ରୁପି ସରିଯାଇଥିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଥିଲା। ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ।